जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। एक चुटकी सिंदूर एक कागज में डालकर चुपचाप यहाँ रख दे, इतना आएगा पैसा कि संभाल नहीं पाएंगे। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक चुटकी सिंदूर आपकी लाइफ बदल सकता है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उपाय बताए गए हैं सिंदूर के बारे में। उसी में से कुछ उपाय जो है वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपके और आपके पति या पत्नी के बीच संबंध अच्छी नहीं है, आपकी बनती नहीं है, तो ये उपाय आपके लिए कारगर है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको उस मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, तो भी आपकी इस सिंदूर के उपाय से आपकी लाइफ बदल सकती है। एक चुटकी सिंदूर लें और उसकी पुड़िया बना लें। इस पुड़िया को जब आपका पति या पत्नी सोए तो उसके तकिए के नीचे रख दीजिए। अगले दिन जब सुबह उठे तो उस सिंदूर को किसी भी पीपल के नीचे रख दीजिए। इस उपाय को करते रहने से आपके पति या पत्नी के बीच जो भी संबंध है, जो खराब हुआ संबंध है, वो धीरे धीरे सुधरने लगेगा और एक दूसरे के बीच प्रेम बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की तकरार हो रही है तो इस उपाय को एक बार आजमा कर जरूर देखिए। वहीं अगर आपके घर पर आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको इसका फल नहीं मिल रहा है, तो भी आपको सिंदूर का एक खास उपाय करना चाहिए जिससे आपकी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। एक चुटकी सिंदूर और सरसों के तेल ले लें, अब इन दोनों को मिला लें। इसके बाद हर रोज 21 दिन तक घर के मुख्य द्वार पर छोटा सा तिलक लगाते रहें। ये तिलक वो मंगलवार और शनिवार के दिन लगाएं और हनुमान जी का नाम लेकर उस तिलक को लगा लीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां निवास कर रही हैं, वो नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर चली जाएंगी, जिससे आपका घर सकारात्मक शक्तियों से भर जाएगा और आपके घर पर धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपके घर एकदम से पैसे की बारिश तो नहीं होगी लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं वो पैसा आपके घर पर बचने लग जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वहीं अगर आपके घर पर कोई बीमार चल रहा है और उसे खून से संबंधित समस्याएं हैं, खून से संबंधित कोई बड़ी बीमारी है, तो भी उसे एक चुटकी सिंदूर ले लें और उस सिंदूर की एक पुड़िया बना लीजिए। अब उस पुड़िया को उस आदमी के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में वार लीजिए। उतारते वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है और ये उपाय आपको किसी भी दिन शाम के समय करना है। इसको करने के बाद उस पुड़िया को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से आपके जो भी रिश्तेदार हैं, उनकी जो बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।